नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम सब प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का आठवां श्लोक पढ़ रहे हैं। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तत्अनुग्रहात् गुरुयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। And because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. So, हमने देखा कि छठे और सातवें श्लोक में उनका जो है स्तुति किया, अलग अलग शब्दों से उनके बारे में बताया और उनको ये कहा कि आप सारे वेदों को जानते हैं, फिजिकल मेटाफिजिकल सारा नॉलेज आप जानते हैं, परंतु सिर्फ नॉलेज ही एकमात्र क्या कहते हैं उसको पैरामीटर नहीं है कि हम किसी से सीखें। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होता है लेकिन उनमें समर्पण की भावना नहीं होती, और समर्पण नहीं होगा तो आपका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध बन ही नहीं सकता। और भक्ति पूर्णतया संबंध का बात है, जब तक आपका भगवान से संबंध ही नहीं बनेगा तो आपका कोई फायदा नहीं है। कई बार लोग अपराध के बारे में चिंता करते कि अपराध हुआ नहीं हुआ, आपके हृदय में खुद आपको पता चल जाएगा कि आपने अपराध किया है नहीं किया है, क्योंकि अंत में परमात्मा से आपका कनेक्शन हुआ नहीं हुआ ये सिर्फ आप ही जानते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, अगर आप देखेंगे हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष मर गया, उसका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी, तो हिरण्याक्ष जब मर गया तो उनकी पत्नियां रोने लगी थी, वो पूरा चूड़ी वूड़ी फोड़ फोड़ के छाती पे हिरण्याक्ष के, और रोने लगी थी ये कैसे हो गया, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, ये दुनिया आप कैसे चलेगी। तो ये रो रहे थे तो उधर हिरण्यकशिपु जो है, देखिए कितना बड़ा विद्वान है हिरण्यकशिपु। भगवद्गीता आज गीता जयंती भी है ना, आज भी है कल भी है, लोग कुछ लोग के लिए आज है कुछ लोग के लिए कल है, हम लोग तो दोनों दिन मनाएंगे क्या जाता है। तो गीता में पाँच मुख्य विषय हैं जो समझना बहुत अनिवार्य है। एक है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। यही पांच तत्वों पे सारे वेद वाङ्मय आधारित है, इन्हीं विषयों पे ही चर्चा होती है। किसी 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 भाग में प्रकृति का ज़्यादा ज्ञान दिया है, किसी भाग में ईश्वर का ज़्यादा ज्ञान दिया है, किसी भाग में जीव और ईश्वर का संबंध बताया गया है, किसी भाग में ऐसा, तो अलग 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 वेदांत सूत्र भी जो है इन्हीं पाँच में डिवाइडेड है, संबंध अभिदेय प्रयोजन। तो वेदों में ये सारा ज्ञान दिया है और ये पांच तत्वों में हिरण्यकशिपु को अगर आप उसका बात सुनिएगा, अगर भागवतम जब पढ़िएगा तो हिरण्यकशिपु उवाच आता है, तो हिरण्यकशिपु वो ज्ञान देते हैं जो नॉर्मल, मतलब ऐसा लगे आपको भगवद गीता बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु, लेकिन भक्त नहीं बने। तो हिरण्यकशिपु ज्ञानी थे, तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नियों को जीव का ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि अरे हे मेरी भाभियों, हे अरे आप लोग समझते क्यों नहीं कि जीव जो है वो कभी मरता ही नहीं, वो अमर है, वो अनादि काल से है, उसको न ये शरीर से कोई लेन देन है। उस अध्याय दो दूसरा अध्याय हिरण्यकशिपु बोल रहा है, हिरण्याक्ष की पत्नियों को जो है वो खुद बोल रहा है, बात समझिए। मतलब भगवद गीता का आत्मज्ञान हिरण्यकशिपु दे रहे हैं, आश्चर्य लग रहा है ना आपको, लगता रहे असुर भी उस लेवल का था। तो पहला बात, जीव का ज्ञान उन्होंने दे दिया कि जीव अमर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अरे ये जो प्रकृति है ना, ये तरंग रंगिनी की तरह है, उसमें उदाहरण दिया हिरण्यकशिपु ने, उन्होंने कहा है कि जैसे पेड़ की परछाई पानी में गिरती है और पानी बहती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ बह रहा, परंतु वो पानी के प्रभाव से ऐसा दर्शित होता है, वैसे ही आत्मा स्थित होते हुए प्रकृति के तरंगिनी में ऐसा लगता है कि वो कार्यरत है, परंतु वो कार्यरत नहीं, उसे प्रकृति करवा रही है। तो ये सारे तो तीन गुणों का काम है, कौन कह रहा है? हिरण्यकशिपु। गीता का ज्ञान हिरण्यकशिपु देने लगा। तो जीव तत्व बताए, प्रकृति तत्व बताए, फिर कर्मों का तत्व बताए कि, और काल का तत्व बताए कि जब काल समाप्त हो जाए तो उसके आगे कोई नहीं टिकता। तो जीव, प्रकृति, काल और कर्म का ज्ञान तो दे दिया, इसका मतलब हिरण्यकशिपु ज्ञानी था। इसी प्रकार कई लोग रावण को ज्ञानी बोलते, तो रावण भी ज्ञानी था, रावण भी कम ज्ञानी नहीं था, नीति शास्त्र जानता, सब जानता था, लेकिन
एक चीज उसका मिसिंग था और वो चीज था ईश्वर। ईश्वर से जो इन चारों संबंध हैं, जीव का संबंध, कर्म कर्म का संबंध, प्रकृति का संबंध, इस ईश्वर को हटा के उसने सब बात कह दी। तो कई बार जो ज्ञानी होते हैं जिनका हम श्रवण करते हैं तो वो भी अनघ होते हैं। जैसे यहाँ पे सुत गोस्वामी को अनघ कहा गया, यानी अनॉलेजेबल पर्सन, जिन्हें सब ज्ञान है। तो सारा ज्ञान उन्हें मालूम होते हुए वो एक्चुअली ये सुत गोस्वामी वो भगवान को समर्पित थे, लेकिन हिरण्यकशिपु को सारा ज्ञान मालूम था परंतु वो समर्पित नहीं था। किसको? ईश्वर को। यानी ईश्वर के प्रति द्वेष और बाकी सबका अच्छे से ज्ञान, मतलब बेस्ट असुर। इसलिए नॉर्मल जो अज्ञानी लोग होते हैं ये बड़े असुर नहीं होते, इनका तो प्रभाव के कारण अपना पाप करते रहते हैं, उनको खुद पता नहीं होता, उनको कभी कभी लगता है पापी पुण्य है, ऐसा भी लगता है उनको। तो उनका अज्ञान है, वो तो भगवान माफ कर देंगे या प्रकृति भी कम सजा देगी। लेकिन अगर कोई सारा चीज जानता है और ईश्वर से प्रॉपरली द्वेष करता है तो उससे जैसा पाखंडी कोई नहीं। इसलिए कई बार प्रभात भी लिखते हैं, हमारे आचार्य भी लिखते हैं, जो मायावादी लोग हैं जो भगवान को मनुष्य लेवल पे लेके आ जाते हैं और उनके ऊपर भी माया थोप देते हैं, वो उनको बहुत बड़ा मतलब वो मानते हैं द्वेषी। गीता में भगवान कहते हैं अवजानंति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भाव अजानंतु मम भूत महेश्वरम। अरे मैं सभी जीवों का महेश्वर हूँ और ये मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं साधारण, ये मुझे एक साधारण मनुष्य बना के उल्लू बना दे रहे हैं, जबकि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं परम हूँ, महेश्वर हूँ, महाईश्वर, सभी का ईश्वर हूँ, महत ईश्वर, सबका ईश्वर, लेकिन इन्होंने मुझे नीचे ला के रख दिया। तो ये द्वेष है, ईश्वर के बारे में मालूम होते हुए भी ईश्वर से द्वेष करना और बाकी सारा ज्ञान रखना, काल कैसे, कर्म कैसे, ऐसा आपको लगेगा माय गॉड कितने विद्वान है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप समर्पित अपना जीवन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ईश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं, ईश्वर प्रणिधान ही नहीं है। तो नहीं है तो वो आपको कभी वो चीज बताएगा ही नहीं, वो सिर्फ आपको ज्ञान दे दे के बस चेला बना के रख ले और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इस श्लोक को स्पेशली कहा गया है यहाँ पे कि आप जो हैं, मतलब सुत गोस्वामी के बारे में जिनसे आप हम सुनने वाले हैं, क्योंकि यू आर सबमिसिव, सबमिसिव यानी आप समर्पित थे अपने गुरु को, एंड योर स्पिरिचुअल मास्टर्स हैव एंडोर्ड विद ऑल फेवर, आपके जो गुरु हैं इन्होंने आप पे सारी कृपा कर दी है। तो ये मैं लास्ट टाइम भी कल बताया था, थोड़ा शॉर्ट में बताया था, आज थोड़ा विस्तार में बताऊंगा कि गुरु की कृपा होती क्या है। कल हमने एक श्लोक गाया ना, जो विष्णु चक्रधर ठाकुर हमारे संसार दावा जो मंगलाते हम लोग गाते हैं सुबह इस्कॉन में, अगर आप में से कुछ नए हैं तो आप यूट्यूब में डाल सकते हैं संसार दावा या इस्कॉन मंगल आरती, आपको मंगल आरती आ जाएगा। संसार दावा तप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु शीतरविंदम। ये संसार जो है वो दावानल की तरह एकदम अग्नि ही अग्नि है। प्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम, और गुरु की कृपा कैसे है जो घनाघनत्वम, सारा बारिश गिरता है ना हमारे ऊपर, तो जब पूरा आग लगा हुआ है फॉरेस्ट में जंगल में और बारिश गिर जाए तो आपको कैसे राहत मिलेगी, या कभी कभी गर्मियों में देखिए बहुत गर्मी होता है और बाद में राहत आ जाती है उस बारिश गिरता, तो वैसे उसी प्रकार से हमारे भव सागर में हम लोग पूरे अग्नि में, जो हम लोग तीन क्लेश देखे थे ना, आदि देवी को क्लेश, आदि आत्मिक को क्लेश, आदि भौतिक को क्लेश, ये तीनों क्लेशों से हम जूझ रहे हैं। और जब गुरु की कृपा होती है, क्योंकि बाकी सारा ज्ञान गूगल में अवेलेबल है पर आप गूगल को समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल ईश्वर प्रेमी नहीं है, अन्यथा आप कुछ भी टाइप कर दीजिए ये वो सब मिल जाएगा आपको, गूगल में क्या नहीं है सब मिल जाएगा आपको, घर के साइड में कौन रहता है वो भी पता चल जाएगा, अगले छोर में कौन रहे वो पता चलेगा, अर्थ का डायमीटर पता चल जाएगा, मून का डायमीटर पता, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ईश्वर कौन है ये कंक्लूजन गूगल नहीं देगा और समर्पित करने की भाषा गूगल नहीं कर सकता। तो ऐसे जो सिर्फ ज्ञानी हैं गूगल की तरह सारा बता सकते हैं, उनको समर्पित करके फायदा नहीं। यहाँ वो ज्ञानी ऐसा होना चाहिए जिसने खुद ही भगवान को अपना जीवन समर्पित किया। आप में से कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपके घर के बर्तन क्या हो जाएगा। तो जो समर्पित करने की बात है वो यहाँ पे आई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवद गीता में स्पेशली जब अर्जुन पहला पूरा अध्याय बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पहले 27 श्लोक
तो इन्होंने कहे, संजय ने वर्णन किया है महाभारत में, इन 28वें से लेके जो आगे सारा बात बोल रहे हैं अर्जुन, वो ऐसे अपने अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं, मैं अगर युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर हो जाएगा, फिर ये सारा जो द्वेष ये हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था होगी, फिर पिंडदान लुप्त तो हो जाएगा, तो ये सारों का पाप मुझे लगेगा, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। अब भगवान एक बार भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इसने समर्पण तो किया नहीं है। तो दूसरा अध्याय में भगवान इतना ही बोलते हैं, कह रहे तुम क्या है, मतलब क्लैब्यम माम स्मग महापार्थ, आप तुम तो ऐसे मतलब अज्ञानी की तरह बात करो। इतना ही बोले भगवान, अभी तक ज्ञान नहीं बांटे, इतना ही बोला, अरे तुम्हें ये शोभा नहीं देता, अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम परम अर्जुन, अकीर्ति करने वाली बात कर रहे हो तुम, इतने बड़े क्षत्रिय हो, सारा ज्ञान रखते हो, आप खुद ही कह रहे हो कि मैं सारा परंपरा से ज्ञान जानता हूँ, ये कहाँ से दुर्बलता तुम्हें आ गई, हृदय दौर्बल्यम कहाँ से आ गया दुर्बलता। भगवान लेकिन उतना बोलते हैं लेकिन ज्ञान नहीं देते, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए समर्पण चाहिए, अन्यथा कोई आपसे पूछने आया लेकिन समर्पण नहीं, आप कितना भी समझा दीजिए, बाद में वो अपना ही बात बोल के चला जाता है। इसलिए कई बार हमने देखा हमारे डिवोटीज प्रचार करते हैं भक्तों को या अपने रिश्तेदारों को, वो फेल जाता है, क्योंकि वो कितना भी समझा दीजिए वो नहीं समझने वाले, क्योंकि समर्पण नहीं है। और रिश्तेदार और दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आपको आखिरी तक रिश्तेदार और दोस्त ही समझते हैं, वो आपको गुरु समझ ही नहीं सकते, बहुत क्वचित, बहुत रेयर चांस है कि कोई ऐसा सोचे। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपनी भ्रम जो भ्रामक स्थिति थी उसका खुलासा कर दिया और कृष्ण को गुरु बनाए और कृष्ण को कहा कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, प्लीज आप मुझे अब ज्ञान, प्लीज आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चित ब्रूहितम्य शिष्यस्ते हम शादी माम काम प्रपन्नम, मैं तो कृपण की तरह जी रहा हूँ लेकिन आप कृपया करके मुझे प्लीज, आप मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ सही जानते हैं, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो लास्ट में इन्होंने भगवान ने फिर आपको याद है कि चालू कर दिया, उन्होंने कहना चालू कर दिया, अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादाम शभाष से कथा सुन कथा सुन शनान शोचंती पंडिता। अरे पंडित ये सब नहीं सोचते, अरे आया गया ऐसे लोग आते जाते, इसमें क्या सोचना। आप देखिएगा जो हॉस्पिटल में काम करते हैं ना आईसीयू में, वो नर्स लोगों को कोई मरा जिया कुछ मतलब पड़ी नहीं रहती, हम बाकी रिश्तेदार चिल्लाते रहते लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं रहती, वो बॉडी की तरह पैक करके भेज देते। मैं एक बार गया था, मेरी बहन आईसीयू में थी, मैं बाहर बैठा था, हर दूसरे दिन एक बॉडी बाहर आती थी, पक्के जाता था। अरे मैं डॉक्टर को बोला कम से कम जो बॉडीज जाते हैं तो बाकी पेशेंट्स का पर्दा लगा दीजिए, कहीं उस डर से कोई और ना चला जाए। तो आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, वो बैग में पैक हो रहा है, एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, पहुंच गया। आजकल रिलेटिव भी टेंशन नहीं लेते, अब कंधे पे थोड़ी ले जाना होता है, एम्बुलेंस पहुंचा देता है, वो डीजल लोको में डाल के आपको बस स्मशान हो गया, बस निकल। लोग इतने डिटैच हो गए आजकल कलयुग में। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने समर्पण किया तब भगवान ने ज्ञान दिया, अन्यथा नहीं। सेम वे अगर हम देखेंगे तो हमारे एक आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके बड़े भजन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत गाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं उनके। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु थे वो लोकनाथ गोस्वामी थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो एक सन्यासी थे और वो गोस्वामी थे, और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही रॉयल फैमिली से आते थे, ऐसे कोई सिंपल नहीं थे वो। और नरोत्तम दास के लिए चेतन महाप्रभु ने पहले प्रेडिक्शन किया था कि इस भेतुरी ग्राम में नरोत्तम नाम का मेरा एक भक्त आएगा जो तो सारा प्रचार करेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बहुत प्रेडिक्शन थे। अब ये नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन गए तो उन्होंने भी गुरु को स्वीकारा, लेकिन अब लोकनाथ गोस्वामी ऐसे थे कि जो 6 गोस्वामी इनका नाम सब जानते हैं, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सबके नाम सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ एक लोकनाथ गोस्वामी थे जिन्होंने कह दिया कि मैं चेतन चरितामृत तब बताऊंगा जब आप मेरा नाम उसमें नहीं लिखोगे, मेरे को मेरा नाम नहीं चाहिए। वो ऐसे बहुत हम्बल भक्त। तो लोकनाथ गोस्वामी ने क्या किया, लोकनाथ गोस्वामी ने जहाँ पे वो एक्चुअली शौच करते थे, पहले लोग खेतों में जाते थे कहीं और जाते थे तो शौच करते थे, तो शौच के जगह को नरोत्तम दास ठाकुर चुपचाप जाके साफ कर देते, और पूरा साफ कर देने के बाद
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ रख दीजिए, मुझे बस एक 10 मिनट और आप खाली। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, इन्होंने तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे करते हैं, तो वो साफ करने लगे, उन्होंने पूरा साफ करके रखते थे सुबह उनके आने से पहले। तो लोकनाथ गोस्वामी ने देखा अरे यहाँ रेगुलर कोई साफ कर रहा है, तो फोन कर रहा है। तो लास्ट में उन्हें समझ में आया कि ये कर रहा है, तो उन्होंने बोला ऐसा तुम क्यों करते? तो बोले क्योंकि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उनका ये विनम्र भाव देख के तब लोकनाथ गोस्वामी ने, इनके एक ही शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर, हजार तारे लाखों तारे होने से अच्छा कि एक चांद बन, वन मून इज बेटर देन मिलियन स्टार्स, ऐसा प्रभुपाद बोलते थे। तो एक एक नरोत्तम दास ठाकुर ने पूरा उद्धार कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समर्पण कितना जरूरी है, गुरु की कृपा मिल जाती है। एक बार और हमारे गुरु महाराज, ये हमारा गुरु महाराज का पर्सनल एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद को मिल नहीं पाए थे अंत समय में, क्योंकि 11 साल उन्होंने न्यू वृंदावन में सेवा किया है जब पुजारी। तो वो बता रहे थे कि गुरु की कृपा कितनी इम्पोर्टेंट है। अब इधर हमारे मंदिर में ही एक बार ऐसा हुआ कि हमारे गुरु महाराज को पता चला कि आप अगर कभी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज मिष्ठान भंडार, तो गिरिराज मिष्ठान भंडार का जो सोन पापड़ी है वो इतना बेस्ट है कि उसको मतलब मुँह में डालते ही वो एकदम इमीजिएटली एडिबल हो जाता है और इमीजिएटली वो गल्प हो जाता है, बहुत टेस्टी है। महाराज जी ने कहा कि मैं राधा गोपीनाथ जी को ये देना चाहता हूँ एज एन ऑफरिंग, कि रोज उनको भोग में ये मिले। तो उन्होंने मैनेजमेंट को कहा कि एक ब्रह्मचारी को वहाँ भेज दो और उन हलवाई के यहाँ सेवा करके सीख लेंगे। तो पहले जो भक्त गए वो गए, तो वो जो हलवाई था बोला कि अच्छा काम करो बर्तन मार। हलवाई बोला अरे बर्तन वर्तन नहीं, तो सिखाओ मेन मेनू सिखाओ, मैं 2 दिन में सीखते हूँ बना दूंगा। तो हलवाई बोला जाओ बर्तन मजो, उसको 2-3 दिन बर्तन ही मजवाया। जब बर्तन मजवाया तो वो गुस्सा हो गया, वो बैग लेके निकल गया, बोलता अरे वहाँ वो सिखाते नहीं, वो लोग हमको काम करवा लेते। महाराज बोले महाराज बोले इसको समझा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं कि कैसे कैसे लेना चाहिए क्या। फिर उन्होंने एक अच्छे सिंपल भक्त को भेजा कि जाओ तुम सीखो। उससे उन्होंने महीना भर बर्तन घिसवाया, पूरा महीना भर, और उसने घिस प्रॉपर सेवा किया, साफ सफाई किया, बर्तन घिसवाया, एक ब्रह्मचारी होते हुए सोचो, सर्वधर्मान परित्यज जी की पराकाष्ठा। उसके बाद वो जो हलवाई था उसने उनको बुलाया, बोले इधर आओ, बोले तुम ये सीखना चाहते हो? बोले हाँ। किसके लिए? बोले क्योंकि हमारे गुरु जी चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी यही भोग लगे। ठीक है, तो उन्होंने 3-4 दिन में उनको सब सिखा दिया, सारा जो रेसिपीज के मेन मेन आइटम थे उस सारे कैसे डालने कब डालने सब हैंड ओवर करके भी सिखा दिया। तब वो आके आज रोज मंदिर में जो है सोन पापड़ी का भोग लगता है, स्पेशल सोन पापड़ी। तो पॉइंट क्या है, अब ये एक महीना जो गया बर्तन घिसने में, ये बर्तन नहीं घिसवाए सामने वाले, सामने वाले ने आपकी परीक्षा ली, आर यू क्वालिफाइड, क्या तुम्हारा हेतु कपट है या प्रामाणिक है। तो इसलिए भक्ति में कहीं भी अगर हम कपट रखते हैं या हमारे समर्पण में कहीं भी कपट है तो गुरु की कृपा मिल ही नहीं सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन है, अगर आप कपट करेंगे तो नहीं मिलेगा। कई लोग आते हैं, कई बार मैंने देखा है लोग इस्कॉन मूवमेंट में भी आते हैं और उनके एक इच्छा रहती है इधर बड़े लोगों से कांटेक्ट हो जाएगा, मेरा बिजनेस चलेगा, या कई लोगों को ऐसा लगता है कि चलो यहाँ मैं आऊँगा तो मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा यहाँ मैं आऊँगा तो अच्छा खाना मिलेगा, ये सब छोटे छोटे चीज़ें, ये तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन कई बार हम कपट से आते हैं कि यहाँ से मैं कुछ करके इधर कुछ नुकसान करके जाऊँगा, तो ऐसे लोगों को भगवान भगा देते हैं। इसलिए भक्ति में बहुत लोग टिकते नहीं, आते हैं फिर चले जाते हैं। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला प्रभुपाद मैंने ड्यूटीज आर लीविंग, प्रभुपाद बोले दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सी दैट मेनी आर स्टेइंग, बहुत लोग अभी भी बचे हैं ये इम्पोर्टेंट है, जाने वालों की कमी कम। तो यहाँ पे जो समर्पण भाव है इसका इस श्लोक में वर्णन हुआ है। ऐसे ही सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह के दरबार में काम करते थे, तो नवाब हुसैन शाह ने उनको पता चला कि ये सब वेस्ट है, तो चैतन्य महाप्रभु को कब के बारे में सुना था और उनकी इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु को मिलूं। तो सनातन गोस्वामी जब बनारस में, आज भी विश्वेश्वरगंज करके वो जगह है पंचगंगा घाट के पास,
उनका जो बैठक है जहाँ चेतन महाप्रभु और सनातन गोस्वामी मिले थे, वही तपन मिश्रा का घर है, जहाँ महाप्रभु बहुत बहुत मेहनत रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर मेरा क्लास मिस होता है तो यूट्यूब में बाद में अपलोड होगा। तो इन्होंने कहा कि तपन मिश्रा के वहाँ जब रुके थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ज्ञान तब दिया जब सनातन गोस्वामी दांत में तिनका लेके दंडोत मारा और अपने आप के बारे में उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया कि वो कहते चैतन्य महाप्रभु मेरा उद्धार करिए, मुझे मैं खुद नहीं जानता मैं कौन, के आमी के अमार तापत है, मैं कौन हूँ और मेरा उद्धार कैसे होगा मैं खुद नहीं जानता, तो प्लीज़ आप जो है मेरा उद्धार करिए। तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी वो आज भी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके एक बुक है उसमें लिखा गया, और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के मतलब है 20वें अध्याय या आसपास के अध्याय से चालू होता है, उसमें सारा ज्ञान दिया, ईश्वर ज्ञान दिया, प्रकृति ज्ञान दिया, सारा सारा बहुत सुंदर दिया। उसके बाद अगर आप एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो थे ये मंत्र लेने के लिए ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र जो है आज हम सबको मालूम है, पहले ये मंत्र केवल और केवल कान में दिया जाता था। तो रामानुजाचार्य की इच्छा थी कि ये जो मंत्र है जो डेलिवरेंस मंत्र है जिसको बोलते ही व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, अगर 3 बार ये मंत्र कोई बोले तो वो वैकुंठ जा सकता है, ही बिकम्स क्वालिफाइड टू गेट डिलीवर्ड। तो अब वो गोष्टीपूर्ण नाम के जो गुरु थे उनके पास मंत्र था, और करीबन उनके पास श्रीरंगम से उनके पास चल के जाने में 18 दिन लग जाते थे, सॉरी 10 या 12 दिन लग जाते थे। तो रामानुजाचार्य चल के जाते थे 10-12 दिन, ऐसा वो गए तो गोष्टीपूर्ण ने सेवा करवा ली लेकिन मंत्र नहीं दी, फिर वो वापस लौट के आए अपनी सेवा की, फिर वापस गए लेने के लिए, ऐसे 18 बार गए, हमको कोई मंत्र नहीं दिया तो अभी हम लोग केस कर देंगे। हाँ राइट RTI क्या वो RTI देंगे, राइट फॉर इंफॉर्मेशन, जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये रामानुचार्य गए गोष्टीपूर्ण के पास, 18वें बार जब गए तो गोष्टीपूर्ण ने देखा कि बहुत सिंसियर डिवोटी है, इसके मन में केवल दया और करुणा है। तब जाके उन्होंने रामानुचार्य को कहा कि मैं तुम्हें मंत्र दूंगा परंतु एक कंडीशन पे दूंगा कि आप ये मंत्र जो है अनलेस एंड अंटिल कोई क्वालिफाइड है तब तक आप किसी और को नहीं दोगे। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने कान में ला के बोला ओम नमो नारायणाय, ऐसा 3 बार वो मंत्र दे दिया। अब देखो रामानुजाचार्य को क्या करना चाहिए था, रामानुजाचार्य को चुपचाप ये मंत्र जो है वो अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन रामानुजाचार्य तो दूसरों के उद्धार का सोचते थे। हाँ यही क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कहा है ना कि आप दूसरों का उद्धार सोचते ऋषि मुनि। तो उन्होंने जाके उस गांव में एक इमरजेंसी घंटा था, एक घंटा होता है जो इमरजेंसी में बजाया जाता है, अगर वो बज गया तो सभी गांव के लोगों को इकट्ठा आना पड़ता है। तो आए सभी गाँव के लोग, आ गए, इन्होंने घंटा बजा दिया ऊपर चढ़ के, जो ऊपर चढ़ के घंटा बजा दिया तो रामानुजाचार्य तो ये गोष्टीपूर्ण भी उसी गाँव के थे तो वो भी आ गए। जब गोष्टीपूर्ण आए तो गोष्टीपूर्ण ने कहा, देखा कि अरे तो ऊपर बैठ के घंटा बजा रहा है। तो उन्होंने कहा गांव वालों सुनो सुनो सुनो, उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास एक ऐसा मंत्र मिल चुका है जिसको 3 बार गाने से आप वैकुंठ में प्राप्त, वैकुंठ में भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा इसी जन्म में। तो गांव वाले बोला हाँ बोलो बोलो हम भी चाहते हैं। तो पूरे गांव वालों को बोला बोलो मेरे पीछे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, आप भी अपने साइड में बोल सकते हैं ओम नमो नारायणाय, क्योंकि मैं एयरपोर्ट में इसलिए आवाज थोड़ा कम रख रहा हूँ। एक लेडी बैठी है उनका सामान, तो उन्होंने कहा ओम नमो नारायणाय, ऐसे 3 बार बोल दिया, और 3 बार बोलने के बाद जो है गोष्टीपूर्ण गुस्से से देखने लगे ऐसा, और रामानुजाचार्य नीचे आए, गोष्टीपूर्ण ने बोला ये क्या है, तो मैंने अभी 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 बताया था कि ये मंत्र किसी को नहीं देना जब तक तुम्हें क्वालिफाइड ना लगे। बोले क्योंकि तुमने ये गलती किया है, ये लोग तो वैकुंठ जाएंगे लेकिन तुम नरक जाओगे, क्योंकि तो तुमने मेरा द्रोह किया है, गुरु द्रोह किया है। उन्होंने कहा गुरुदेव अगर इतने लोग वैकुंठ जाएंगे तो मैं आजीवन नरक में रहने को तैयार हूँ।
रामू ने विचारे कि ये करुणा देख के गोष्ठी पूर्ण ने गले लगाए, बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तुम ये मंत्र सबको बांट सकते हो क्योंकि तुमने इसको खुला कर दिया, तुम इसको बांटो और कलयुग में सभी का उद्धार करो। तो गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखेंगे जो सिख लोगों का ग्रंथ है, उसमें पूरा और पूरा गुरुवाणी है, गुरु की महिमा है और गुरु ने भगवान की महिमा बताई है। तो बहुत जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिकॉज यू आर सबमिसिव और आप जेंटल डिसाइपल हो, तो गुरु की कृपा क्या मिलता है देखो। देयरफॉर यू कैन टेल अस ऑल दैट यू हैव साइंटिफिकली लर्न फ्रॉम देम, इसलिए अब आप क्वालिफाइड हो बोलने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पहली बात तो उस शिष्य को षड दर्शन आना चाहिए, सारे दर्शन मालूम होने चाहिए, सारे फिलोसफीज मालूम होने चाहिए, उनका खंडन मालूम होना चाहिए, खुद का प्रैक्टिस होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद अपने गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति को गुरु प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा प्राप्त हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? चलिए बताइए, हमने आपको अनम्यूट करके बताइए कि किसी को गुरु की कृपा प्राप्त है नहीं है, कैसे पता चलेगा? Yes. प्रभु जी, अगर किसी को गुरु की कृपा प्राप्त है तो उसको भक्ति में रुचि आने लगेगी, भक्तों का संग मिलेगा। ठीक है, देखिए गुरु की कृपा प्राप्त है तो उसको तो भगवत प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, उसके प्रेजेंस से, उसके वाणी से और लोगों को भी मिलेगा। ये पावर है, एक गुरु कृपा का पावर है। तो यहाँ पे ये जो वर्स है इसमें सूत गोस्वामी को एम्पावर किया गया है, और सूत गोस्वामी जो है अब क्या कहते हैं उसको, आगे और कुछ श्लोक हैं जिसमें बेसिकली अभी ऋषि जो हैं, ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि, ये सवाल पूछने वाले हैं। तो छह सवाल हैं, जिस छह सवाल के आधार पे संपूर्ण भागवतम का नरेशन किया गया है। कई बार लोग पूछते हैं ना कि एक एक सवाल पूछते और बोलते हैं एक लाइन में आंसर दीजिए, तो ये मीडिया टाइप भागवतम नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम जो है ये पर्सनलिज्म है, इसमें सामने वाले को उसके तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। तो कई बार आजकल क्वेश्चन पूछने वाला ही बताते कि ऐसे बताओ, अरे भैया फिर तुम ही जवाब दे दो। क्योंकि एक बार व्हाट्सएप में किसी वक्त ने क्वेश्चन पूछा था लंबा चौड़ा, तुमने कुछ बोलने का तो बोले नहीं, इसका एक वर्ड में आंसर दीजिए। इसने बोला भाई तो तुम किसी और को पूछ लो, हम क्विज कॉन्टेस्ट खेलने थोड़ी आए KBC। तो भागवतम में क्या है कि ये जो सवाल पूछे बहुत स्पेशली ह्यूमंस के लिए, मनुष्यों के लिए, उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा 8वां श्लोक, कल हम लोग देखेंगे 9वां से आगे 23 तक, जिसमें सारे ऋषि मुनि सवाल जवाब करने वाले हैं और सवाल करके हमको कुछ 8-6 सवाल, उन 6 सवालों का निरूपण हम लोग करेंगे और उसके जवाब में कैसे कैसे दिया ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज मैं लेक्चर यहीं बंद करता हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं फुल वॉल्यूम में बात नहीं कर पाऊंगी। तो इसको आज यहाँ होल्ड करें। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।